सेंट हेलेना के मिड अटलांटिक आइलैंड पर बने हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे बेकार एयरपोर्ट कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्लिफ साइड रनवे पर हवाओं का रुख एयरपोर्ट की लैंडिंग को खतरनाक बनाता है। ये एयरपोर्ट तैयार है और काम कर रहा है, लेकिन एयरपोर्ट के सी कैटेगरी में होने की वजह से यहाँ प्लेन लैंड करने वाले पायलट को खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे और भी कई एयरपोर्ट हैं जहां विमान लैंड कराना जान जोखिम में डालने से कम नहीं है। मेडेरा पुर्तगाल। मेडेरा में वेकेशन पर गए लोगों को पता होगा कि ये जगह जहाजों की लैंडिंग के लिए बड़ी बदनाम है। कई बार खतरों को देखते हुए यहां विमानों की लैंडिंग होती ही नहीं है। ऊंची जगहों से सटे होने के कारण यहां कटीली हवाओं का रुख अक्सर मुश्किल खड़ी कर देता है। लैंडिंग के वक्त ये घातक साबित हो सकता है। सेंट मार्टिन। सेंट मार्टिन पर लैंड करने वाले विमानों के वीडियो देखने के लिए आपको बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। कैरेबियन एयरपोर्ट पर उतरने वाले विमानों की फुटेज से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इसका रनवे समुद्र तट के बिल्कुल पीछे बना हुआ है, इसीलिए बीच पर मौजूद लोगों के ठीक सर के ऊपर से विमान जाते हैं। लोगों को ये देखकर मजा आता है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। 2017 में एक विमान के इंजन में ब्लास्ट होने से यहाँ एक महिला की मौत भी हो गई थी। महिला वहाँ तमाम पर्यटकों की तरह स्विम सूट पहने एयरपोर्ट की फेंस पर लटकी हुई थी। पारो भूटान। पारो भूटान का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो समुद्र तल से करीब 7,364 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। अभी तक कुछ ही पायलट्स हैं जिन्हें वहां जाने की मंजूरी मिली है। यहां केवल अच्छी विजिबल कंडीशन में ही विमान लैंड कराया जा सकता है। यहां रडार ना होने के कारण मैनुअल अप्रोच लेनी चाहिए। रनवे पर उतरने से पहले पहाड़ों और घरों का भी ख्याल रखना पड़ता है। लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के ऊपर से हवाई यात्रा इन दिनों असामान्य हो गई है, लेकिन इस शहर के ऊपर से जब कोई विमान गुजरता है तो गगनचुंबी इमारतों और कैनरी वॉर्फ के घाट बहुत करीब से नजर आते हैं। रनवे पर विमान बिल्कुल खड़े एंगल के साथ लैंड करते हैं। यहां आप हेलीकॉप्टर में लैंड होने जैसा महसूस करेंगे। रीगन नेशनल एयरपोर्ट, USA। जून 2021 में जब फ्रंटियर एयरलाइंस का एक विमान DC के रोनाल्ड रीगन में रनवे पर फिसल गया था तो एक यात्री ने इसे डरावना बताया था। यहां एटॉमिक रिवर के पास बने रनवे पर लैंडिंग के लिए एक शार्प टर्न बनता है जो कई बार पायलट के लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। लेह, भारत। लेह में दुनिया का 23वां सबसे ऊंचा एयरपोर्ट बना है। ये सुनकर शायद आप हैरान ना हो। एयरपोर्ट समुद्र तल से करीब 10,682 फीट ऊंचाई पर है। एक छोटे रनवे के साथ चारों ओर पहाड़ों से घिरा ये एयरपोर्ट बेहद जोखिम भरा है। दोपहर के वक्त हवाएं बहुत तेज होती हैं, इसलिए फ्लाइट सिर्फ सुबह ही लैंड कर सकती है। दूसरा, यहाँ भारी विमान नहीं जा सकते हैं। पायलट को यहाँ जाने से पहले स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इन्सब्रक, ऑस्ट्रिया। पहाड़ों से घिरी टायरोल की राजधानी एक टॉप स्कीइंग डेस्टिनेशन है और उड़ानों के लिहाज से खास है। यहाँ विमान उड़ा रहे पायलट्स के लिए अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। रनवे पर उतरने वाले विमानों को लगभग 8,000 फुट की ऊंचाई से नोक की सीध में नीचे लाना पड़ता है। पहाड़ों से टकराती हवाएं और उनकी दिशाओं का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। कोंगोनहास, ब्राजील। साओ पाउलो के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर वाटर इवैक्यूएशन की समस्या थी। इसके चलते साल 2007 में एक दुर्घटना भी हो गई थी। इसे ठीक करने के लिए रनवे पर फिर से काम शुरू किया गया। हालांकि यहां विमान लैंड कराना आज भी आसान नहीं है। ये शहर के ठीक बीचों बीच है। एक सिंगल रनवे है जो 1930 में शुरू हुआ था। लैंडिंग के वक्त विमान आसपास के अपार्टमेंट ब्लॉक्स और घर की छतों के ऊपर से गुजरते हैं। लुकला, नेपाल। चारों ओर पहाड़, कटीली हवाएं और छोटा रनवे, ये सभी बातें नेपाल के इस एयरपोर्ट को खतरनाक बनाती हैं। कई बार इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट भी कहा जाता है। इसका रनवे पहाड़ों के बीच एक चट्टान पर बिछाया गया है जिसकी लंबाई सिर्फ 1,729 फीट है। रनवे के आगे गहरी खाई है। विमानों की रफ्तार धीमी करने के लिए ये रनवे आगे की तरफ से थोड़ा उठा हुआ है।